हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग ये डी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो डी में क्या करना है हमें हमें उनके सामने ही दे रखा है, हमें इस सेंटेंस को किस में बदलना है। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है पहले को। तो ये क्या है, ये है हमारा, नो अदर बुक इज एज पॉपुलर अमंग द हिंदूज एज द रामायण। कंपेरेटिव में बदलना है तो रामायण, कोई दूसरी पुस्तक उतनी प्रसिद्ध नहीं है जितने की रामायण। किसमें, हिंदुओं में। तो रामायण हिंदुओं में किसी दूसरी पुस्तक से अधिक पॉपुलर है। किसमें, हिंदुओं में। तो लिखो तो द रामायण इज रामायण इज द रामायण इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर रामायण इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक अमंग द हिंदू द हिंदू। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, द रामायण इज मोर पॉपुलर अमंग द हिंदू देन एनी अदर बुक। ठीक है, और ये भी सही है। दूसरा है हमारा, हमें दूसरे में क्या कह रहा है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल सुपरलेटिव में। जब सुपरलेटिव में बदलना होता है हमें, तो कंपेरेटिव का जो सब्जेक्ट होगा उसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। आयरन हेल्पिंग वर्ब क्या इज, फिर क्या लगाएं, द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मैटर। थ्री देखो, थ्री क्या है, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस एज इंग्लैंड। तो कंपेरेटिव बदलना है तो इंग्लैंड इंग्लैंड इज एडवांस्ड, फिर क्या लगाए, देन मैनी वाले सेंटेंस, वेरी फ्यू वाले में क्या लगता है, मैनी अदर कंट्रीज, इंग्लैंड इज मोर एडवांस देन मैनी अदर कंट्रीज। नंबर चार देखो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। तो ही वन ऑफ द आ रहा है तो क्या लगाए, वेरी फ्यू, क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव के लिए क्या आया था, वेरी फ्यू। देखो इनको इरेज कर देता हूं, देखो कौन सा नंबर बता रहे थे हम, फोर। देखो, वेरी फ्यू फ्यू वेरी फ्यू बॉयज आर एज वेरी फ्यू बॉयज आर एज एज ही इन हिज क्लास।
पांच में देखो तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, ये भी सेम है, ये भी ऐसे ही बन जाएगा। पांच में देखो वन ऑफ द, आ रहा तो वेरी फ्यू से शुरू होगा, वेरी फ्यू, पोइट्स फिर आएगा वर, फिर आएगा एल, फिर आएगा ग्रेट, फिर आएगा एज, वेरी फ्यू पोइट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। छठवां देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कंपेरेटिव डिग्री में बताएंगे ऑनेस्टी, फिर क्या इज, फिर बेटर, फिर आएगा देन, फिर आएगा एनी अदर, ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, ठीक है। अब सातवां देखो, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, तो बेस्ट आ रहा है तो नो अदर शुरू करेंगे, नो अदर सी पोर्ट, फिर नो अदर सी पोर्ट इज, फिर क्या आएगा एज बेस्ट की कंपेरेटिव पॉजिटिव क्या होती है गुड, नो अदर सी पोर्ट इज एज गुड एज मुंबई इन इंडिया, भारत में कोई दूसरा बंदरगाह इतना अच्छा नहीं है जितना कि मुंबई भारत में, इसको रेज कर देते हैं। देखो देखो सेवन हो गया, आठ में देखो, मोहन इज द फैटर देन एनी अदर बॉय सुपरलेटिव, तो एट देखो, मोहन है इज द फैटेस्ट फैटेस्ट बॉय, वन इज द फैटेस्ट बॉय। नौ देखो, नौ में क्या कह रहा हूँ, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका, तो सुपरलेटिव में बदलना है, अफ्रीका इज इज वन ऑफ द, अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट हॉटेस्ट कंट्रीज, अफ्रीका सबसे अधिक गर्म देशों में से एक है, द ताज इज मोर ब्यूटिफुल बिल्डिंग देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, तो इसको मैं कायम बदला हूँ सुपरलेटिव में ही बदल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सुनो, ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया,
इन इंडिया? 11 देखो, बिहार इज हॉटर देन असम। 11 पॉजिटिव बनाना है। असम इज, असम इज सो हॉट एज बिहार। असम उतना गर्म नहीं है जितना कि बिहार है। देखो इंडिया वॉज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वेरी फ्यू से शुरू होगा, वन ऑफ द है। ओ सॉरी, वेरी फ्यू कंट्रीज वर वर एज पुअर एज इंडिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, वेरी फ्यू कंट्रीज वर एज पुअर एज इंडिया इन द वर्ल्ड। अब 13 देखो, थर्टीन है, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, तो बिगेस्ट आ रहा है, तो यानी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। देखो नो अदर नो अदर सिटी इज एज बिग एज कानपुर इन यूपी। जहीद खान बॉल्स फास्टर देन एनी अदर बॉलर इन द टीम। पॉजिटिव बनाना है, तो नो अदर बॉलर, नो अदर बॉलर, नो अदर बॉलर बॉल्स, नो अदर बॉलर बॉल्स सो फास्ट। या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है ना, नो अदर बॉलर बॉल्स एज फास्ट एज जहीर खान इन द टीम। पंद्रह में देखो, रॉकेट्स कैन फ्लाई फास्टर देन एरोप्लेन्स। रॉकेट एरोप्लेन से तेज उड़ते हैं, तो एरोप्लेन रॉकेट से तेज नहीं उड़ते हैं, तो देखो एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स डू नॉट, सॉरी कैन नॉट, आई सॉरी कैन नॉट फ्लाई सो फास्ट
एज रॉकेट्स। एरोप्लेन्स कैन नॉट फ्लाई सो फास्ट एज रॉकेट्स। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।